बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सीएम योगी की अपराधियों को सख्त चेतावनी, अपराधियों के लिए बुलडोजर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कहा कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मठ में होता, मठ में चला जाता अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो, इसलिए नहीं आया कि मैं नौकरी करी। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं आपको। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो यह ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। सख्त चेतावनी, अपराधियों के लिए बुलडोजर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कहा कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मठ में होता, मठ में चला जाता अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो, इसलिए नहीं आया कि मैं नौकरी करी। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ, सुनवाते आपको। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो यह ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।